हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया जय व्लॉग। मैं प्रिया करती हूँ आप लोगों का वेलकम। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी पेपर और लकड़ियाँ, ये सब जो फर्नीचर का काम हो रहा है उसके ही पार्ट्स हैं। और यहाँ पर ये प्लाई जो स्क्वायर शेप में कटी हुई है, ये है उसका रिमेनिंग पार्ट। और यही सारी प्लाई अभी यूज़ होने वाली है फर्नीचर के लिए। आज हमने यहाँ पर जो लाइट वगैरह चूज़ करनी है वो कर ली है। कलर शेड अभी नहीं डिसाइड किया है, बट वी बॉट लाइट, फैन एंड एवरीथिंग। जो भी हमें यहाँ पर लगानी है वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो पहले फर्नीचर हो जाएगा और फिर उसके बाद पेंटिंग हो जाएगी, फिर लाइट्स लगेंगी। यहाँ पर बेडरूम में भी सेम प्रोसीजर, लाइक पहले फर्नीचर हो जाएगा, उसके बाद कलर, देन लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें लगेंगी यहाँ पर भी। और बेड इज़ ऑलमोस्ट रेडी, सिर्फ उसका हेड पार्ट है वो बनाना है और अभी हाइड्रोलिक सिस्टम जो लगाना है वो बाकी है। यहाँ पर ये चार जो हैं ड्रॉर्स बना कर के रेडी हैं, जो कि वार्डरोब में लगेंगे, जो लॉकर ड्रॉर्स होते हैं वो हैं ये। ये लगेंगे अभी। और यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल का बॉक्स है और जो उस तरफ साइड बॉक्स है, वो दोनों बॉक्सेस के अभी ड्रॉर्स बनाना बाकी हैं। उसमें दो ड्रॉर्स आ जाएंगे क्योंकि प्लेस है अच्छा, तो दो ड्रॉर्स दोनों साइड आ जाएंगे। और अभी जो हेड पार्ट है इसका, ये भी हमने अभी चूज़ करना है। वी विल चूज़ कि हम कैसा लगाएंगे। और दिस इज़ अ बेड, बेड रेडी हो गया, वार्डरोब रेडी है, साइड टेबल्स आर ऑलमोस्ट रेडी, बट रिमेनिंग आर द ड्रॉर्स एंड द लैमिनेट। फिनिशिंग देना तो बाकी ही है। वार्डरोब अभी सिर्फ सारी चीज़ें रखने के काम आ रही है। और इसके ऊपर भी जो उन्होंने फ्रेम बनाना है वो फ्रेम तो रेडी है, बट द डोर्स आर रिमेनिंग। डोर्स उन्होंने कट करके रेडी कर लिया हुआ है, उस पर सिर्फ लैमिनेट लगाना है, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ बेडरूम का वार्डरोब है जो वो कम्प्लीट हो जाएगा। आज इन्होंने जो ये चार सेक्शन है, ये चारों सेक्शन के लिए उन्होंने ड्रॉर्स बना दिए हैं। अभी उसमें उन्हें हैंडल लगाना और जो भी चीज़ें हैं वो तो अभी बाकी ही हैं, तो अभी तो टाइम है। यहाँ के लिए भी हमने फ़ैन ले लिया है, लाइट्स ले ली हैं। एवरीथिंग इज़ इन हाउस। अब बस सारी चीज़ों का काम होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ फ़ैन, लाइट और सारी चीज़ें बॉक्स में रखी हुई हैं। तो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी तभी लगेगा। दिस इज़ इन द किचन। किचन में भी वही फ्रेमिंग हो गई है और यहाँ पर जो उसका किचन कैबिनेट लगना था वो किचन कैबिनेट हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ की फ्रेमिंग रेडी है। अभी ये वॉल जो है उसके ऊपर एक फ्रेम लगाना है, फिर इसमें डोर्स लग जाएंगे और लैमिनेट आ जाएगा, तो बहुत फटाफट से सारे काम हो जाएंगे। जो चीज़ें फिनिश हो गई हैं उसके ऊपर लैमिनेट लगा देंगे। और ये टेबल देखिए कितना यूज़ आ रहा है, सारी चीज़ें इस पर ही रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा डस्टी है, अभी क्लीन करना है। भैया काम करके गए हैं, अभी उन्होंने क्लीन करा है। आई हैव टू क्लीन अ बिट, फिर वो सारी चीज़ें फिनिश करके मेकिंग डिनर, रोज़ की चीज़ें, तो वही सब अभी कंटिन्यू करना है। अभी तो घर काफ़ी खाली है, यहाँ पर भी हम भी काफ़ी जगह है और क्लीन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो अभी हमें हटानी है, अभी हम नहीं हटाएंगे, सारी चीज़ें बन जाएं, अभी और भी तो निकलेगा, तो सब चीज़ें हो जाएं उसके बाद ही सब चीज़ हटाई जाएगी यहाँ से। इधर सेंटर के लिए हमने एक झूमर भी ले आया है। चलिए सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।